भगवान ने पुनः इसी कलयुग में एक विशेष रूप में अवतार लिया और वो विशेष स्वरूप उनका था भक्त का स्वरूप। इस अवतार में प्रेम की स्थापना हेतु मैं आया हूं, प्रेम का वितरण होगा, फिर मैं फिर आऊंगा। तब मैं स्थापना तो कर चुका हूं ना, अब मैं प्रेम का फिर वितरण करूंगा, तो प्रेम वितरण के लिए मैं फिर दो बार अवतार लूंगा। जहां भगवान का ये नियम है कि मैं किसी का कल्याण डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये उनका कानून नियम, वहीं पर भगवान को चिंता है मैं नहीं कर सकता तो करेगा कौन, तो अपने ही रूप को गुरु रूप में अर्थात अपनी ही शक्ति अपने ही तत्व को भेज दिया इस धरा पर। क्योंकि गुरु और भगवान उनमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान ने पुनः इसी कलयुग में एक विशेष रूप में अवतार लिया और वो विशेष स्वरूप उनका था भक्त का स्वरूप, गुरु का स्वरूप। महाप्रभु जब संन्यास लेकर नदिया छोड़कर जा रहे थे तब शची माता ने पूछा गौर सुंदर से कि तुम इस प्रकार हमारा त्याग कर रहे हो, तुम्हें हमारा कष्ट नहीं दिखता? तब गौर सुंदर ने कहा था, चिंता ना करो माता, इस अवतार में प्रेम की स्थापना हेतु मैं आया हूं, प्रेम का वितरण होगा, फिर मैं फिर आऊंगा। तब मैं स्थापना तो कर चुका हूं ना, अब मैं प्रेम का फिर वितरण करूंगा, तो प्रेम वितरण के लिए मैं फिर दो बार अवतार लूंगा। और फिर आए वो गौर सुंदर, और अब की बार जो आए तो उन्होंने तो फिर मानो दया की गंगा ही बहा दी, गंगा में बाढ़ आ गई। ऐसी दयालुता अपार, ऐसी कृपालुता अपार कि जिनका मन भी कृपालु, जिनका तन भी कृपालु। कृपालु महाप्रभु स्वरूप में फिर कृपा अवतारी इस धरा पर अवतरित हुए। वही उद्देश्य, वही ब्रज प्रेम की स्थापना जो पिछले अवतार में की, उसी प्रेम को वितरित करने के लिए महाप्रभु ने पुनः अवतार लिया कृपालु के रूप में। इस अवतार में तो दया का कोई पारावार ही नहीं। कृपालु महाप्रभु जी ने भी इस अवतार काल में वही ब्रज प्रेम का वितरण किया है। उन्होंने युगल उपासना संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक पद संकीर्तनों की रचना की और बड़े सरल सहज रूप में जगत को राधा तत्व से परिचित कराया। स्वयं उस राधा तत्व का विस्तरीकरण, प्रचार, प्रसार संपूर्ण विश्व में कर दिया। इस युगल उपासना को इतना सरल बना दिया एक रूप ध्यान पद्धति के द्वारा, और उस अद्वितीय प्रेम रस को वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित करते हुए जनमानस को सहजता से प्रदान किया। जो जनमानस वेद आदि का अध्ययन करके या शास्त्रों का अध्ययन करके भी कभी समझ ना पाती अपनी अल्प बुद्धि से, कृपालु महाप्रभु जगत गुरु बनकर उन्होंने साधारण जीवों को अपनी सरल भाषा में उन वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रथम करवाया, शिक्षित किया, स्वयं उंगली पकड़ पकड़ कर साधना कराई। राधा कृष्ण उपासना, युगल उपासना की, और उनकी उपस्थिति में जीवों ने संपूर्ण लाभ उठाया। हमारे श्री महाराज जी वो तो इतने उदार कि जीव अपराध पे अपराध किए जा रहा है, लेकिन कृपालु महाप्रभु जी का अवतार, वो अपराधी जीव को दंड तो बहुत बाद में देते हैं,
चांस ज्यादा देते हैं सुधरने के लिए। कोई बात नहीं, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। परम आशावादी, इतने उदार और अपराधों की ओर नजरअंदाज करते हैं, खामियां देखते नहीं, खूबियां क्या है उस एक खूबी को लेकर उसे इस मार्ग में दौड़ा देते हैं। ये दयालुता है उनकी। और दयालुता बताऊं, हम साधारण जीवों के भगवान की ओर बढ़ने के शूद्र प्रयास को देखकर वो इतना विभोर हो जाते हैं मानो सुमेरु पर्वत उठा लिया हो हमने। इतने विभोर हमारे तुच्छ प्रयास पर बलि बलि जाते हैं और हमारी खामियां, हमारे अपराधों को नजरअंदाज करते हैं और आशावादी बनकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसा अवतार ना कभी हुआ था ना कभी हुआ है। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की।